ट्रेन सबसे पहले आई है पैसेंजर चॉइस, दर्शन कर लो कितना मस्त मंदिर, कितना मस्त है वो देखो। पता नहीं क्या पहले चाय पी रहे हैं और ये देखो भीड़ with frogs called night and the winter how cold sorry that I तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, हो गया हूँ नहा धो के रेडी अच्छी तरह। अभी और टाइम हो रहा है 9 बज रहे होंगे, मतलब हो जल्दी का था व्लॉग, मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ 9 बजे। ये तो मैं तैयार तो 8 बजे से ही पहले हो गया था, नहा धो के अच्छी तरह, ठंड लग रही थी इस करके धूम में ही खड़ा हूँ मैं। ठीक है, आज हमारा दिलाने का प्लान है कुरुक्षेत्र में ना गीता जयंती महोत्सव होता है, वो बहुत फेमस है, तो भीड़ होती है बहुत, बाहर से ही बंदे आते हैं। तो गाइस हम पास में है हमारे तो 30-35 किलोमीटर सारा है यहाँ से, तो गाइस वहाँ पे जाएंगे देखने के लिए उनको। तो चलते हैं गाइस, इतने दोस्त आ रहा है बाइक से लेके जाएगा आगे, रजिस्ट्रेशन ट्रेन है हमारी, देखते हैं कौन सी ट्रेनें मिल गई। तो गाइस चलते हैं, इतने रास्ते मिलते हैं आपसे इतने। तो गाइस मेरे को ना वेट करते करते ना 1 से 1.5 घंटा हो गया, जाना हमारे को था पठानकोट से या बीकानेर एक्सप्रेस से जो हरिद्वार तक जाती है करनाल से, तो कुरुक्षेत्र रुकती है सीधा, तो दोनों ट्रेनें मिस हो गया दोस्त, अभी तक नहीं आया गाइस देख लो, पता नहीं क्यों लेट हो गया गाइस। तो अभी देखते हैं कब तक आता है, फिर चलेंगे इतने, तो देखते हैं गाइस इतने। तो गाइस आ गया दोस्त, इसकी बाइक टूटी पड़ी, अब चलते हैं गाइस काफ़ी देर बाद। आम बात तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, बाइक पे बाइक पार्क करने के लिए जा रहे हैं, तो ये रहा स्टेशन, तो बाद में आएंगे यहाँ से हम, तो चलते हैं गाइस इतने। तो आज बाइक कर दिया पार्किंग में खड़ी, चलते हैं स्टेशन की तरफ जो आज तक हो। तो बस पहुंच गए हैं पर अभी अंदर नहीं जा रहे हम, यहीं पे खड़े हैं क्योंकि अभी धूप वगैरह हो रही है ना, तो गाइस इस करे बाहर खड़े होंगे। तो आज अभी खड़े हैं यहीं पे, बाहर ही खड़े हैं अभी, तो यार दोस्त गए इतने टिकट लेने के लिए, मैंने गया अंदर तो धूप हो रही है गाइस बाहर, इस करे खड़ा हूँ मैं अभी। ट्रेन में टाइम है हमारा, पैसेंजर है उससे जाएंगे या गीता जयंती से जौन सी पहले आगे उसमें जाएंगे, तो करते हैं गाइस इतने वेट। तो इसलिए आया दोस्त टिकट, तो चलते हैं अब अंदर। तो बस चलते हैं ऊपर, 2 नंबर पे आएगी ना ट्रेन, तो चलते हैं। तो वो रिजर्वेशन काउंटर है गाइस, तो चलते हैं नीचे। तो बस ये आई है सामने सचखंड एक्सप्रेस। तो गाइस आ गया ट्रेन सबसे पहले आई है पैसेंजर, तो इसी में चलते हैं गाइस, ये भीड़ ना हुई तो। तो भी टिकट तो ले ही रखी है इन्होंने, वही रेंट दिया है पैसेंजर का भी उसका भी, जो उसमें मर्जी चढ़ दो, तो देखते हैं खाली है गाइस इसमें चलते हैं, मिलते हैं इतने आपसे अंदर पहुंचने के बाद। तो इस बैठ गए ट्रेन में इतने, तो आपको इस थोड़ा बहुत व्यू दिखाता हूँ इतने में, नहीं तो फिर सीधा पहुँचते हैं कुरुक्षेत्र तो दिखाऊँगा इतने आपको, थोड़ा बहुत ही दिखाते हैं इतने आपको। तो गाइस हो चुके हैं करनाल से डिपार्ट, तो चलते हैं गाइस इतने। तो बस लो खेड़ी भी क्रॉस हो चुका है, तो बस यहाँ से भी डिपार्चर हो चुका है मेन से, तो नेक्स्ट स्टॉप सीधा कुरुक्षेत्र है। तो बस फाइनली कुरुक्षेत्र आ चुका है, तो बस उतर गए ये रही हमारी ट्रेन, तो चलते हैं सीधा बाहर। तो बस बाहर से व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, ओहो भाई। तो भाई भीड़ देखो कितनी हो रही है भाई, ज़्यादातर ना वही जाने वाला है गीता जयंती महोत्सव के लिए। तो भाई हम आए थे इस मंदिर में दर्शन कर रहे, इतना मस्त मंदिर है ना भाई, जय हो बजरंग वाले की, आगे दिखाता हूँ भाई। तो भाई दर्शन कर लो कितना मस्त मंदिर है यार भाई, बहुत ज़्यादा यार। तो भाई चलते हैं अब सीधा बाहर, दर्शन वगैरह कर लिया, मस्त टिक्का वगैरह लगा लिया, तो चलते हैं भाई। तो आज ये है मंदिर, स्टेशन इस साइड है, थोड़ी सी दूरी स्टेशन है, तो चलते हैं आगे की तरफ। गाइस ये कोई आश्रम है, तो गाइस चलते हैं अब, दोस्त ना ब्रह्मसरोवर से पहले कहीं पे लेके जा रहे थे वहाँ चलते हैं। तो गाइस दोस्त लेके आया यहाँ पे ब्रह्मसरोवर जाने से पहले इस धर्मशाला में, चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, यार दोस्त ने ले आया है, इनकी कोई धर्मशाला वगैरह होगी कह रहे, अभी तो वहाँ मेला वगैरह लगा नहीं होगा कह रहे, शाम को लगता है, तो कह रहे थे यहीं पे चलते हैं फिर, इनकी जानकारी दे तो अभी यहीं पे बैठे हैं, दिखाता हूँ गाइस यहाँ पे, यहाँ पे रोटी रोटी खाएंगे फिर चलेंगे आगे, दिखाता हूँ। तो ये देखो ये गाइस ये बैठने की जगह है, यहाँ कमरे वगैरह पड़े हैं खाली, जहाँ मर्जी बैठ दो। तो अभी अंदर ही बैठे थे हम, रोटी वगैरह खाई थी नीचे अभी, दोस्त ने खिलाई थी, तो अभी यहीं पर बैठे हैं गाइस, चलेंगे शाम के टाइम को, तो दिखाते हो इतने गाइस आपसे मिलते हैं शाम को। तो गाइस मैं ऊपर आया था, ये देखो ये ग्राउंड है, लव खुश ग्राउंड है ये देखो, कुरुक्षेत्र का मशहूर, देखो कितना बड़ा है भाई।
सारी शायद कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है। ए? कौन सा ग्राउंड है? वो वहाँ पे दिख रहा है तेरे को? हाँ उधर से दिखता है परली छत से। अच्छा लव खुशी ग्राउंड है गाइस, ये देखो भाई बहुत बड़ा उधर तक भाई। और यूनिवर्सिटी वगैरह है क्या कोई? मेरे को शायद स्कूल पता नहीं, स्कूल है भाई यूनिवर्सिटी है, स्कूल है गाइस ये। तो ये देखो चलते हैं गाइस नीचे इतने। तो गाइस उधर देखो कितना मस्त है वो, देखो पता नहीं क्या चीज़ है, ये नहीं पता, मंदिर वगैरह है शायद कोई, पर मस्त है, मस्त है। तो गाइज अभी तो नीचे ही खड़ा हूँ, तो चलते हैं गाइज, हम काफ़ी देर खड़े हो गए और शाम के हो गए 3:30, तो चलते हैं गाइज अब बाहर। और पीछे बाहर जा रही है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ पे इसलिए। तो गाइज जाने से पहले चाय पी रहे हैं और ये देखो भीड़ हो रही है। तो गाइज चलते हैं सीधा बाहर, अब निकलते हैं ब्रह्म सरोवर की तरफ। तो गाइस चल पड़े हैं बाहरी तरफ। और गाइस ये वो था, मैं गलत नाम बता रहा था, वो लवकुश भवन था, पर ये वो ग्राउंड वगैरह यहीं का था जो नाम लिखा पड़ा। चलते हैं आगे ब्रह्म सरोवर की तरफ। तो गाइस हम चल रहे हैं पैदल पैदल, आधा किलोमीटर ही था तो पहुंचने वाले हैं। तो इतने पहुंचते हैं ब्रह्म सरोवर के पास, तो दिखाते हैं इतने गाइस आपको व्यू वगैरह। और ये देखो ये सड़क वगैरह डेली जाता है। तो चलते हैं गाइस इतने। With frogs, cold night and the winter how cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry.